हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल छेडी में महकमा बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ आप पर कराऊंगा आर्मी टेक्निकल एने का दोस्तों फिजिक्स का पार्ट नंबर ट्वेंटी फोर यानी कि दोस्तों आपको यहाँ पर आप चौबीस वाला भाग मिलेगा भौतिक विज्ञान का इससे पहले दोस्तों आपको तेज भागों में महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराया जा चुके हैं यदि आपने उनको ना देखा हो दोस्तों उनको आप जरूर देख लें ताकि आपके पिछले वाले क्वेश्चन भी तैयार हो जाए और यहाँ पर भी दोस्तों आप बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बार बार पूछे जाते हैं और इनकी बहुत बहुत पूछे जाने की संभावना रहती है तो आराम से दोस्तों आप टॉपिक को देखेंगे कॉपी और पेन निकाल लेंगे जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे आराम से आप नोट करेंगे और शुरू करने के पहले दोस्तों छोटी सी एक दरख्वास्त करना चाहेंगे यदि दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे वीडियोज आपको लगातार मिलते रहें तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को देखिए पहला क्वेश्चन दोस्तों आपको क्या दिखाई देता है दो प्रकाश तरंगे एक दूसरे को अधिकतम आयाम पर रचनात्मक रूप से काटती हैं तो उनके बीच का पथांतर क्या होगा यानी कि दोस्तों आपको पूछा गया है टू लाइट रेज विल इंटरफेयर कॉन्स्ट्रक्टिवली विद मैक्सिमम एम्डीट्यूड इफ द पास्ट डिफरेंस बिटवीन देम इज दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको कंडीशन क्या दिया दोस्तों मैक्सिमम आयाम होना चाहिए यानी कि एम्प्टीट्यूड होना चाहिए पहले आप समझेंगे दोस्तों जो आपका पाथ डिफरेंस होता है पाथ डिफरेंस जो आपका होता है दोस्तों यानी कि पथांतर जो होता है वो क्या होता है मान लीजिए दोस्तों आपके पास में दो सोर्स हैं लाइट के यहाँ पर आप एस वन मान लें यहां पर आप एस टू मान लें आप देखते हैं दोस्तों वेव इस प्रकार से निकलती है इनको साइकिलों को दोस्तों यदि आप यहाँ पर बनाएं तो आप इस प्रकार से बना सकते हैं ये आपके एंटी नोड होंगे और बीच में दोस्तों आप नोडों को बना सकते हैं तो यहां पर आपका देखिए दोस्तों वैसे आप यहां भी बना लेंगे आप देखते हैं दोस्तों ये आपस में इंटरफेयर करते हैं देखिए यहां पर आपका इंटरफेयर हो रहा है इन कर्निंग पॉइंटों पे आप बोलते हैं ये आपका इंटरफेयर कर रहा है अब यहां पर देखिए दोस्तों आपको बताना है कि मैक्सिमम पाथ डिफरेंस पाथ डिफरेंस जो आपका होता है दोस्तों मान लीजिए दोस्तों आपको यहां पर निकालना पाथ डिफरेंस तो ये आपका यहाँ पर होता है दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में जो अंतर होता है वही दोस्तों आपका पाथ डिफरेंस कहलाता है या फिर आप कहें दोस्तों पथांतर कहलाता है यानी कि दोस्तों आपका सोर्स एस से पॉइंट ए तक और यहाँ से लेके दोस्तों एस एस टू से लेके ए तक का जो अंतर है दूरी का वही दोस्तों आपका पाथ डिफरेंस कहलाता है अब यदि दोस्तों आपको निकालना है इसको तो आप इसको लेमडा वन कहते हैं ये आपका पहला वाला वेबलेंथ हो गई लेमडा आपका वेबलेंथ को दिखाता है और ये आपकी दोस्तों टू लेमडा हो गई ये आपका थ्री लेमडा और ये आपका फोर लेमडा वैसे आप यहाँ से देखें दोस्तों वन लेमडा टू लेमडा और थ्री लेमडा और फोर लेमडा तो दोनों का अंतर यहाँ पे क्या हो जाएगा फोर लेमडा माइनस फोर लेमडा जीरो यदि आप वैसे ही दोस्तों यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस वाले पॉइंट पर यदि आप देखें तो यहाँ पर दोस्तों आपका ये आपका फाइव लेमडा हो जाएगा यहाँ से और यहाँ से दोस्तों आपका फोर लेमडा होगा तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों फाइव लेमडा माइनस फोर लेमना करेंगे तो आप यहाँ पर आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको वन लेमडना मिलेगा और यदि आपको दोस्तों कंडीशन जो आपको पूछी गई है जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाली जो कंडीशन दी है दोस्तों आयाम वाली अधिकतम आयाम आयाम क्या होता है दोस्तों आयाम आपका यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होती है जो ये दूरी होती है दोस्तों तो आपको अधिकतम आयाम बताना है दोस्तों तो उसकी कंडीशन क्या होगी दोस्तों यहाँ पर आपकी वन वेब होगी या हाफ वेब होगी या क्वार्टर वेब होगी या जीरो वेब ये दोस्तों आप यहाँ पर देखिए इनमें से हो जाएगा वन वेब यदि आप दोस्तों वन वेब पर देखें जो कि आपने यहाँ आप पर देखा यदि आपका फाइव लेमडा और फोर लेमडा माइनस करें दोस्तों तो आपको पथान्तर क्या मिलता है वन लेमडा मिलता है तो यदि आप यहाँ पर आयाम को देखें तो ये दोस्तों आपका अधिकतम होगा इनके कंपेरिजन में दोस्तों यदि आप हाफ वे देखेंगे तो वहां पर दोस्तों आपका नीचे ही आपको मिलेगा तो आप कह देंगे दोस्तों वन वेब पर मैक्सिमम होगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों माइकलसन इंटरफेरोमीटर किसकी जानकारी के लिए बनाया गया अर्थात दोस्तों आपको पूछा गया है माइकलसन इंटरफेरोमीटर वाज डिजाइन टू स्टडी द नेचर ऑफ दोस्तों यहां पर देखिए जो आपका माइकलसन माइकलसन जो इंटरफेरोमीटर है दोस्तों यदि आप इसको देखेंगे तो यहां पर एक लेजर होता है यहां पर एक लेजर होगा दोस्तों यहां पर एक प्रकार का हाफ ट्रांसपेरेंट मिरर होता है और यहां पर दोस्तों आपका एक फिक्स मिरर होता है और यहाँ पर आपका एक मूवेबल मूवेबल मिरर होता है यानी कि घूमने वाला मिरर होगा और यहाँ दोस्तों आपकी नीचे होती है स्क्रीन और स्क्रीन पर दोस्तों आपको इस प्रकार की फ्रेंजेज मिलती है यानी कि दोस्तों आपको इस प्रकार के यहाँ पर छल्ले मिलते हैं और यह आपकी कैसी घटना होती है दोस्तों यह आपकी इंटरफ्रेंस कहलाती है इंटरफ्रेंस या फिर आप कहें दोस्तों व्यतीकरण व्यतीकरण कहलाती है तो ये दोस्तों एक प्रकार से क्या है माइकलसन का एक्सपेरिमेंट है दोस्तों इसका इस्तेमाल किसके लिए किया गया आपको बताना है इसका इस्तेमाल दोस्तों खासतौर पर इथर की स्टडी के लिए किया गया था इथर दोस्तों क्या होता है ईथर दोस्तों जो हमारा स्पेस होता है वो माना जाता है कि जो ईथर है उससे फिलअप है यानी कि दोस्तों आप यदि स्पेस को देखें तो वहां पर दोस्तों माना जाता था कि ये दोस्तों आपका एक प्रकार से ईथर से फिलअप है तो इन्होंने दोस्तों ईथर के नेचर को देखने के लिए इसका सहारा लिया था इसका दोस्तों इस्तेमाल किया था तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी वाला ईथर अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों द मिलिकन एक्सपेरिमेंट शोड दैट इलेक्ट्रिक चार्ज इज यानी कि दोस्तों आपको पूछा गया है जो मिलिकन का एक्सपेरिमेंट था दोस्तों जो मिलिकन का जो प्रयोग था वो दोस्तों क्या बताता है कि आवेश कैसा होता है वो आपको यहां पर पूछा गया है नेगेटिव होता है या क्वांटाइज होता है या पॉजिटिव होता है या अनमेजर्ड होता है यहां पर देखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट यहां पर है यदि आप चार्ज के, के केस में देखें दोस्तों तो मिलिकन का मिलिकन का दोस्तों ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है इन्होंने ही बताया था दोस्तों जो आपका ई e में चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन गुलाम होता है माइनस में यदि आप इसको देखें दोस्तों यहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है यहाँ पर दो प्लेटें इस्तेमाल होती हैं एक प्रकार की कंडक्टिव प्लेटें कह सकते हैं आप बैटरी के द्वारा दोस्तों एक पॉजिटिव मान लें एक को आप नेगेटिव मान लें पॉजिटिव नेगेटिव हो गई और यहाँ पर दोस्तों ऊपर से और यहाँ से दोस्तों ऑयल ड्रॉपें पंप की जाती है दोस्तों इसके माध्यम से तो यहां पर ऑयल ड्रॉप डाली जाएंगी और यहां पर आपका छोटा सा होल होगा यहां से ये यह ड्रॉपे दोस्तों पांच सौ के नीचे गिरेंगी और यहां पर दोस्तों एक माइक्रोस्कोप होता है जिससे देखा जाता है इनको ड्रॉपों को लगातार तो इसके द्वारा दोस्तों इन्होंने क्या पाया था इन्होंने पाया था कि जो चार्ज होता है दोस्तों ई पे वो आपका इतना गुलाम होता है और बाद में ये भी पाया था दोस्तों कि जो चार्ज होता है क्यू जो होता है दोस्तों वो आपका एनई के फॉर्म में होता है यहां पर ई क्या है ई दोस्तों आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जहां पर एन दोस्तों क्या होता है एन एक प्रकार से इंटीजियर होता है दोस्तों इंटीजियर यानी कि दोस्तों आपका एक प्रकार से पूर्णांक होता है यदि आप इसको देखें दोस्तों एन बराबर क्या होगा जीरो एक दो तीन इस प्रकार के आपको नंबर मिलेंगे यहां पर दोस्तों आपको कोई भी फ्रैक्शनल फ्रैक्शनल नंबर दोस्तों नहीं मिलेगा यानी कि आपको एक बट्टा दो एक बट्टा तीन एक बट्टा चार या फिर कोई भी दोस्तों आपका भिन्नात्मक नंबर नहीं मिलेगा यानी कि जो भी नंबर होगा दोस्तों जो भी चार्ज होगा वो हमेशा ही दोस्तों एक प्रकार से कैसे फॉर्म होगा वो आपका पूर्ण नंबर के फॉर्म में होगा यानी कि दोस्तों आपका क्वांटाइज फॉर्म में होगा इसी को दोस्तों आप बोलते हैं क्वांटाइज फॉर्म तो यदि आपको बार बार पूछा भी जाता है दोस्तों इसके आधार पर चार्ज निकालने को तो आप याद रखेंगे क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों एनई -E होता है इसको आप नोट कर लेंगे और यही दोस्तों आपका चार्ज का क्वांटाइज फॉर्म कहलाता है तो क्वांटाइज फॉर्म कहलाता है ऑप्शन नंबर आपका बी वाला हो जाएगा दोस्तों क्वांटाइज वाला रूल दिया था अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों वेन अ मेटल बिकम अ सुपर कंडक्टर देयर इज अ ट्रमेंडियस डिक्रीज इन इट्स यानी कि दोस्तों आपको पूछा गया है जब एक धातु एक अधिचालक में बदलती है या फिर बनती है तो उसके डेडेस में बड़ी कमी आती है दोस्तों यहां पर देखिए आपको सुपर कंडक्टर के बारे में मालूम होगा जो आपके सुपर कंडक्टर होते हैं दोस्तों यानी कि आपके अधिचालक होते हैं ये कैसे होते हैं दोस्तों यहाँ पर लगभग जो आपका प्रतिरोध होता है यानी कि जो आपका रजिस्टेंस होता है दोस्तों प्रतिरोध होता है वो लगभग दोस्तों आपका अप्रोक्सीमेटली जीरो माना जाता है यानी कि दोस्तों आपका प्रतिरोध होगा ही नहीं वहाँ पर बहुत ज्यादा ये कंडक्टर होते हैं दोस्तों बहुत ज्यादा चालक होते हैं ये खासतौर पर दोस्तों आपका एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर होता है यानी कि दोस्तों आपका जीरो कैलोन पे या फिर आप कहें माइनस टू सेवेंटी थ्री पे डिग्री पे दोस्तों होता है अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपको बताना है कि यहाँ पर किस में बड़ी कमी आती है तो आप क्या देखते हैं दोस्तों यहाँ पर जो प्रतिरोध होता है दोस्तों उसमें बड़ी कमी आती है यानी कि दोस्तों उसमें एक प्रकार की ट्रमेंडियस डिग्रीज होता है

तो ये आपका दो प्रोटोनों के बराबर होता है यानी यानी कि कि दोस्तों दोस्तों आपका दो थी 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 आपका करेंगे कूलाम होता है और आप देखते हैं दोस्तों इतना ही चार्ज हीलियम के नाभिक में होता है यदि आप हीलियम को देखें दोस्तों तो हीलियम में क्या होता है एटोमिक नंबर दो होता है और मास आपका फोर होता है यानी कि हीलियम के नाभिक में दोस्तों दो प्रोटोन होते हैं और दो न्यूट्रॉन होते हैं तो यहां पर आप देखते हैं दोस्तों हीलियम का ही नाभिक के बराबर इसका चार्ज होता है और दोस्तों आपका वेट होता है इसीलिए दोस्तों आप अल्फा पार्टिकल को क्या बोलते हैं आप बोलते हैं इसको हीलियम 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 का 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 दोस्तों दोस्तों तो आप यहाँ पर कह देंगे ये आपका हीलियम का नाभिक होता है ऑप्शन नंबर बी वाला वैसे दोस्तों यदि आप बीटा पार्टिकल पर देखें तो इस पर दोस्तों इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज होता है और गामा पर दोस्तों कोई चार्ज नहीं माना जाता यानी कि दोस्तों आपका न्यूट्रल होता है अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों एक समस्थानिक यानी कि दोस्तों किसी तत्व का समस्थानिक की अर्धा आपको पांच दिन दी है इसकी दस ग्राम मात्रा बीस दिन के बाद कितनी शेष रह जाएगी यानी कि दोस्तों आपको पूछा गया है द हाफ लाइफ ऑफ एन आइसोटोप ऑफ एन एलिमेंट इज फाइव डेज द मास ऑफ टेन ग्राम सैंपल ऑफ दिस आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर ट्वेंटी डेज इज दोस्तों यहां पर देखिए आपके पास में दस ग्राम का दस ग्राम दोस्तों सैंपल है और ये आपका दोस्तों जो आपका आइसोटोप है आइसोटोप जो आपका है दोस्तों इसकी हाफ लाइफ क्या है हाफ लाइफ कहने का मतलब है दोस्तों अर्ध आयु अर्ध आयु क्या होती है दोस्तों माना आपके पास में कोई सबस्टैंड है आपका सौ प्रतिशत है दोस्तों तो बाद में वो आपका पचास प्रतिशत रह जाता है तो यहां से लेके यहां तक जाने में दोस्तों या फिर आपके यहाँ डी के होने में जो आपका टाइम लगता है उसी को दोस्तों आप क्या बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं यानी कि दोस्तों अर्ध आयु बोलते हैं तो यहां पर आपको दिए दोस्तों पांच दिन यानी कि फाइव डेज अब यहां पर देखिए दोस्तों आपको बताना है कि जो आपका दस ग्राम की मात्रा है वो बीस दिन के बाद में कितनी रह जाएगी कितनी दोस्तों रिमेन रह जाएगी यानी कि शेष रह जाएगी तो इसके लिए आप क्या करते हैं दोस्तों बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है एन टी बराबर होता है यानी कि टी समय के बाद में जो सबस्टेंस है उसकी मात्रा उसकी क्वांटिटी बराबर दोस्तों जो इनिशियली क्वांटिटी थी अपन दोस्तों कर देते हैं आप टू की पावर एन यहां पर जो आपका एन है एन बराबर नंबर ऑफ हाफ लाइफ है यानी कि दोस्तों अर्ध आयु की संख्या है एन बराबर तो यहां पर आप एन कैसे निकालेंगे दोस्तों टोटल टाइम अपॉन दोस्तों एक बार का अर्ध आयु का टाइम बराबर आपका हो जाएगा बीस बट्टा पांच बराबर चार यानी कि दोस्तों आपकी चार अर्ध आयु हैं यहां पर पड़ेंगी यहां से लेकर यहां तक जाने में आपको चार हाफ लाइफ में पड़ेंगी तो यहां पर आप चार रख देंगे एन के स्थान पर और एन के स्थान पर आपको मालूम है दस ग्राम था इनिशियली तो यहां पर आप दोस्तों मान रखेंगे तो क्या मिलेगा आपको एन बराबर यानी कि दोस्तों एन बराबर क्या मिलेगा बीस दिन के बाद में दस ग्राम बट्टे दो की घात चार कर देंगे यानी कि दोस्तों आपका दस बट्टा सोलह कर देंगे तो ये काटने पर दोस्तों आपको मिलेगा जीरो पॉइंट छह दो पांच के अप्रोक्स मिलेगा दोस्तों ग्राम में तो इतना ग्राम रह जाएगा तो यहां पर आप कह देंगे आ, ग्राम ऑप्शन नंबर आपका बी वाला रह जाएगा अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर की कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा को परमाणु के बाहर उत्सर्जित किए घूमते हैं ये अवधारणा किसने दी आपको बताना है दोस्तों द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटोम विदाउट रेडिएटिंग एनर्जी अवे फ्रॉम द एटोम वाज पॉशुलेट बाय दोस्तों यहाँ पर देखिए एक सिद्धांत दिया गया था दोस्तों एक आइडिया था या फिर आपका अवधारणा थी कि जो नाभिक होता है यहाँ पर आपका नाभिक है ये आपका नाभिक है दोस्तों ऐटोम में यह आपका एटोम परमाणु है तो ऐटोम के नाभिक के चारों ओर आप देखते हैं दोस्तों ऑर्बिट होते हैं क्लासें होती हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन लगातार घूमते है। रहते हैं तो यहाँ पर बताया गया था दोस्तों जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्यों नहीं गिरते हैं क्योंकि ये दोस्तों ऊर्जा को ऊर्जा को रेडिएट नहीं करते हैं यानी कि दोस्तों एनर्जी को उत्सर्जित नहीं करते हैं तो यही रीजन होता है कि ये लगातार घूमते रहते हैं यानी कि इनकी ऊर्जा दोस्तों एक प्रकार से क्या रहती है अंदर कंजर्व रहती है तो ये दोस्तों आपका एक प्रकार से किसने कहा था आपको बताना है ये कहा था दोस्तों बोहर ने बोहर ने बताया था कि लगातार इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा को उत्सर्जित किए यानी कि एनर्जी को रेडिएट किए बिना दोस्तों लगातार घूमते रहते हैं बेटो में तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बी वाला बोहर ने अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों पृथ्वी पर पच्चीस हजार मील प्रति घंटा तथा चंद्रमा पर पांच हजार तीन सौ मील प्रति घंटा क्या है यानी कि मून यदि आप देखें दोस्तों पच्चीस हजार मील पर आर यानी प्रकार से आपका मील प्रति घंटा आपको बताना है ये दोस्तों किसके बराबर होगा यदि आप दोस्तों इसको किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलें तो कैसे बदलेंगे आप एक मील बराबर दोस्तों आपका एक मील बराबर लगभग आपका दोस्तों होता है वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर और वैसे ही वन आर बराबर होता है छत्तीस सौ सेकेंड यानी कि थर्टी सिक्स हंड्रेड दोस्तों आपके सेकेंड होते हैं तो यहाँ पर आप रख देंगे तो आपको क्या मिलेगा देखिए ट्वेंटी फाइव थाउजेंड इन टू कर देंगे दोस्तों आपका वन पॉइंट सिक्स अपॉन थर्टी सिक्स हंड्रेड ये आपका दोस्तों किलोमीटर पर सेकेंड में आ जाएगा इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो आपको मिलता है इलेवन पॉइंट टू तो ये क्या है दोस्तों ये पृथ्वी पर क्या होता है प्लाइन वेग का मान होता है प्लाइन वेग कहने का मतलब है दोस्तों एसके वेलोसिटी का मान होता है इसके द्वारा ही दोस्तों जो हमारे सैटेलाइट होते हैं उनको पृथ्वी के ग्रेविटी से बाहर फेंका जाता है तो आप कह देंगे दोस्तों पृथ्वी पर ये प्लाइन वेग का मान होता है वैसे ही दोस्तों यदि आप देखें फाइव मील को दोस्तों पर पर आर को बदलेंगे दोस्तों आप किलोमीटर पर सेकंड में तो ये आपको लगभग मिलता है 2.35 के मिलता है दोस्तों किलोमीटर पर सेकंड में और ये आपके पर पर होता है चंद्रमा यानी कि मून पर दोस्तों प्लाइन वेग का मान या फिर आप कहें दोस्तों वेलोसिटी का मान होता है मून पर तो यहां पर आप कह देंगे दोस्तों क्या है ये प्लाइन वेग के मान है तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी वाला अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों टेस्ला और गाउस इसकी इकाई है आपको बताना है दोस्तों टेस्ला एंड गाउस आर यूनिट्स ऑफ मेजर ऑफ दोस्तों यहां पर देखिए जो टेस्ला और जो गाउस हैं दोस्तों टेस्ला और जो गाउस हैं ये दोस्तों एक प्रकार से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होती है दोस्तों इंटेंसिटी कहें या फिर आप दोस्तों स्ट्रेंथ कहें या फिर आप कहें दोस्तों चुंबक क्षेत्र की क्षेत्र की दोस्तों तीव्रता तो इसको मापने के लिए दोस्तों आप टेस्ला का या गौस का इस्तेमाल करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा दोस्तों बी बीवाला यदि आप देखें दोस्तों इसको आपने देखा होगा एक मैग्नेट को दोस्तों इस प्रकार से होता है नॉर्थ पोल साउथ पोल यहां से इस प्रकार से लगातार निकलती है और यहां चली जाती है तो यदि दोस्तों यहां पर आप कोई सरफेस लें एस, एस को लें दोस्तों तो यहां से जितनी भी बल रेखाएं पास होंगी दोस्तों उन्हीं को आप क्या बोलते हैं इंटेंसिटी बोलते हैं जितनी ज्यादा दोस्तों आपकी बल रेखाएं पास होंगी उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ होती है तो ये आपके यहाँ पर कॉन्सेप्ट होता है तो यहां पर आपका हो जाएगा वाला। तो यहां तक दोस्तों आप क्वेश्चन को तैयार करेंगे इसके बाद आपको बाद में लगातार क्वेश्चन को बताते रहेंगे हमारे संद्योग बने रहेगा ओके थैंक्स जय हिंद जय जै भारत